दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई शहर में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम श्रद्धेया शीतल कुशवा जी हैं, जो मानोगढ़ विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं। मुझे जब इनके बारे में पता चला कि शीतल जी ने राजनीति में आने से पहले इन्होंने सोशल वर्क बहुत अच्छा किया, तो मुझे ऐसा लगा कि इनका इंटरव्यू दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समय निकाल करके शीतल जी के पास आया हूँ और आप लोगों को मैं रूबरू कराने का काम भी कर रहा हूँ। तो शीतल जी, सबसे पहले तो मैं आपको जय भीम बोलता हूँ। जय भीम सर। और आप यूट्यूब चैनल सोशल राही के लिए आपने बहुमूल्य जो समय निकाल करके आई हैं आप हमारे चैनल पे, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मेरे कुछ सवाल हैं जो आपके समक्ष रखना चाहूँगा। तो पहले तो शीतल जी, आप बताइए कि आपका जो जीवन का सफर है वो कैसा रहा? नमस्ते साथियों, दोस्तों, ने माधोगढ़ विधानसभा से मुझे बैंडी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इंजीनियर शीतल कुशवाहा जी सर, आप शुरुआत कहाँ से आपकी चालू हुई, जैसे शिक्षा स्तर पे आपने कैसे शिक्षा प्राप्त की, और आपके नाम के पीछे जो इंजीनियर लिखा है जी, तो वो कहाँ से आपसे आपकी शिक्षा चालू हुई है? शिक्षा का मुझे बचपन से ही शौक था और शिक्षा में मतलब मुझे कुछ मिले ना मिले, मुझे सिर्फ पढ़ाई से बहुत ही लगाव था। मैंने अपने जीवन में सबसे पहले शिक्षा में मास्टर डिग्री यानी बीएड प्राप्त किया। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने बोला इंजीनियरिंग करनी है, तो मैंने उसके बाद इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग में मैंने काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया और मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री मिली शिक्षा के माध्यम से। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा है कि मैं सोशल वर्क करूं, सामाजिक के जो कार्य है और आपसे लोगों को भला हो जाए? कोई काम अपने जीवन में आपने ऐसा करके दिखाया है जो लोगों के काम बहुत अच्छे लगे हों आपके? बचपन से ही मुझे सोशल वर्किंग का शौक था। मैं बचपन में जब भी अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठ जाती थी और उनसे मैं पूछती थी कि कैसा रहा शासनकाल, तो वो लोग बताते थे कि जब अंग्रेज हुआ करते थे तो हम लोग ऐसे परेशान हुआ करते थे, राजनीतिक पार्टियों के बारे में बताते थे। फिर शादी के बाद जब मैं अपने पति से के साथ में मैंने सोशल वर्किंग शुरू किया, मैंने एक एनजीओ चलाया। एनजीओ आज मुझे काफ़ी कई वर्ष हो गए हैं एनजीओ को चलाते हुए। उसमें मैंने अपने एनजीओ में वृद्ध आश्रम में जाके, अंध आश्रम में जाके और जो भी सड़कों पर कहीं पे भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है, चाहे वो उनकी शिक्षा के लिए हो या सर्दियों के टाइम पे उन्हें कम्बल कपड़ों की आवश्यकता हो, और अंध आश्रम में उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें रही हैं भोजन से लेके और भी कई चीज़ों की, मैंने हमेशा उनके लिए मेरी एनजीओ ने उनकी मदद की है। और हर वर्ष मैं अपने एनजीओ के थ्रू वृद्धाश्रम, अंध आश्रम और भी ज़रूरतमंद जो भी लोग हों, शिक्षा के लिए कुछ लोग होते हैं जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको आवश्यकता होती है और उनके पास कुछ मतलब नहीं होता, उनके परिवार से फाइनेंशली कमज़ोर होते हैं, तो हम लोगों ने उसके लिए भी उनकी हमेशा मदद की है और जीवन भर हम करते रहेंगे जितनी हमारे पास क्षमता है उतनी। तो आपने जैसे बाबा साहब के तीन बिंदु हैं जी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा पे आपने क्या किसी विद्यालय में सपोर्ट किया है या आपने विद्यालय वगैरह खुलवाया है? मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग की है। ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग करने के बाद मैंने जो अपने घर पे कम से कम ही तो 15-20 स्टूडेंट ऐसे थे जो मैंने अपने यहाँ पर निःशुल्क उनको ट्यूशन दी है, जो हमारे मोहल्ले के बच्चे थे। आज भी मुझे, मैं अपने मोहल्ले में जाती हूँ अपने मायके में, तो बोलते हैं शीतल मैडम आ गई, शीतल मैडम आ गई, तो मेरे पति कहते हैं कि मैडम क्यों बोलते हैं, मैंने कहा मैंने इनको एजुकेशन दी है, और वो बहुत खुश होते हैं। तो आज भी मेरे वो बच्चे सभी मुझे याद हैं जिन्होंने, मैं जिनको मैंने शिक्षा दी और वो काफ़ी अच्छे
पढ़ाई कर रहे हैं और भविष्य में उनकी जॉब भी अच्छे ओहदे पर रहेगी। शीतल जी, जो आपने शिक्षा का कार्य किया है और बच्चों को पढ़ाने का जो कार्य किया, वो आपने शादी के पहले किया है कि शादी के पहले किया है मैंने अच्छा, जो भी शादी के पहले, क्योंकि मेरी जो समाज सेवा का भाव है वो मुझे बचपन से ही है। मैं गांव में भी जाऊं तो गांव के एक एक बुजुर्ग मुझे जान जाएंगे, ये पर्वत सिंह की बिटिया है, वो बोलते हैं पर्वत की बिटिया है, शीतल है। मतलब गांव का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो ननिहाल हो चाहे मेरे मौसी के यहाँ हो, जबकि कोई भी बेटियों को ज्यादा जानते नहीं, क्योंकि मेरे सोशल वर्किंग का बहुत ही मतलब एक शौक टाइप का है कि मुझे लगता है कि कहीं भी पहुंचे और सबसे मिले, उनकी जरूरतों की बातें सुने, भले ही हम मदद ना कर पाए क्योंकि हम उस लायक नहीं है उतना ज्यादा मदद कर सके, लेकिन हम उनकी सुनते हैं, उनके पास बैठते हैं, चाहे वो महिला वर्ग से हो या फिर कोई भी पुरुष हो, बुजुर्ग हो, उनके पास बैठ के उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। शीतल जी, बात पैसे की नहीं है, जो बाबा साहब का मूल बिंदु शिक्षा, आपने उस पर काम किया, उस शिक्षा हकीकत में वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना डालेगा ना। तो कभी किसी ने लिखा है कि करे जो भलाई बगैर लालच की उसी को रहमान कहते हैं, करे जो भलाई बगैर लालच की उसी को रहमान कहते हैं, सुने जो दीन दुखियों को उसी को भगवान कहते हैं, हिला दे ख्वाहिशी को उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे हम इंसान कहते हैं। तो इंसान की छोटी पूरी परिभाषा नहीं होती है। आपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया। अच्छा, जब आपने बच्चों को शिक्षा दी तो कभी ऐसा मौका आपको मिला बच्चों के अंदर महापुरुषों का ज्ञान अर्जन करवाया है आपने? जी, बताती हूँ महापुरुषों के बारे में। जब भी हम अपने अभी जो बच्चे होते हैं उनको महापुरुषों के बारे में सिर्फ उनकी जीवनी के बारे में बताते हैं, लेकिन उनके कर्तव्य के बारे में उन्हें अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन हम बचपन से ही न्यू डालें अगर उनके बारे में, तो महापुरुषों के बारे में जो भी हमारे बाबा साहब हैं और भी ऐसे महापुरुष रहे हैं, फूले जी हैं, ज्योतिबा फूले जी हैं, और क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए जंग लड़ी है, लड़ाई लड़ी है, जो हमें आज शिक्षा का अधिकार दिया है, आज हमें हर समाज को पढ़ने का अधिकार दिया है, उन महापुरुषों के बारे में उन्हें अवगत कराएंगे, कराया और उन्हें कराते रहें, तो हमारी जो भी सबसे छोटे बच्चे हैं या जो भी न्यू है उनकी बेस मजबूत हो जाएगा, तो वो हमेशा एक विचारधारा से जुड़े रहेंगे। और देखो, वैसे ही महापुरुषों को हम इसलिए याद करते हैं कि महापुरुषों से मुझे जागृति मिलती है और एक एनर्जी आती, ऊर्जा आती है। जब भी मैं किसी महापुरुषों को पढ़ते हैं, जैसे माता सावित्री बाई फूले हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए कितना बड़ा काम किया है। सबसे पहले 1848 में उन्होंने महिला का विद्यालय खोलने का काम किया, पहली प्राथमिकता थी उनकी जो विद्यालय खोला। कितनी परेशानियों का सामना करते हुए उन्होंने विद्यालय जाने का काम किया, महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। आज जो नारी को जो सम्मान मिल रहा है वो शिक्षा के बदौलत मिल रहा है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो आपने जब शिक्षा का काम किया, शिक्षा दी, और जब पढ़ लिख करके आप तैयार हो गई और आपने इंजीनियर की जो पढ़ाई की है, तो आपको कैसे लगा कि मैं राजनीति करूँ, इसके विषय में और चर्चा हो थोड़ी बहुत? जैसे कि आपने बताया कि हमारे जो शिक्षा का कार्य किया है महापुरुषों ने, उन्होंने वो लड़ाई लड़ी और हमें शिक्षित किया जी। हम शिक्षित हुए। अब मुझे, मैंने कई जॉब के लिए सोचा कि मैं जॉब कर लेती हूँ गवर्नमेंट, और करने के लिए मेरा हो भी गया, लेकिन जब मुझे लगा कि एक जॉब करने के बाद मैं सिर्फ अपने परिवार का भला कर सकती हूँ, अपने बच्चों का भला कर सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने दो चार रिश्तेदारों का भला कर सकती हूँ। सही बात है। और मतलब अपना पर्सनल व्यक्तिगत व्यवहार, और मैं अपने पर्सनल में ही खो जाऊंगी, मतलब जॉब करूंगी तो उसी में बिजी हो जाऊंगी, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, उसी को सर देखती रहूंगी। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि, और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे प्रेरणा दी कि जो मेरे जो फैमिली है वो भी पॉलिटिकल है,
और उससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि हम लोग राजनीति में आके जो शोषित दलित वंचित समाज के लोग हैं, जो जिनको शिक्षा का अभाव रहा है, जो जरूरतमंद है, भले ही उन्हें कितनी भी जरूरत है लेकिन वो शिक्षा नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें काम करना है, काम करेंगे तभी उनके घर में दो वक्त का खाना हो पाएगा। तो हम उनको ऐसी कुछ चीजें मुहैया कराएं, उनको हम उपलब्ध कराएं जिससे कि वो अपना रोजगार भी मिल सके उन्हें और उनकी शिक्षा भी सुचारू रूप से चल सके। और पहले में उनको सबसे पहले उन्हें जो भी गार्जियन होते हैं, उनके अभिभावक होते हैं, उनको मैं सबसे पहले इस बात से अवगत कराती हूँ कि आप यदि काम करेंगे और बच्चों को नहीं करने देंगे, उन्हें शिक्षित कर देंगे, तो वो किसी भी जगह अगर रोजगार भी करने जाएंगे, भले ही कुछ भी करने जाए, तो वो उनको एक एजुकेशन होगी। हमें कितना क्या, कोई भी उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता है। कोई भी बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनका सिर्फ शोषण कर लेते हैं, काम करने के बाद उन्हें एक निश्चित वो पकड़ा देते हैं पैसा, तो वो सब चीजों से वो अवगत रहेंगे और अपने अधिकारों को समझेंगे जब वो शिक्षित होंगे। तो अभिभावकों को पहला काम है, भले ही आप दो रोटी कम खाइएगा लेकिन बच्चों को शिक्षित कीजिएगा। और उसके लिए मैं बराबर जागरूक करूंगी उन्हें, चाहे मैं किसी भी पद पे रहूं, किसी भी पद पे ना रहूं, जितना भी मुझसे सोशल वर्क होगा मैं हमेशा उनको जागरूक करती रहूंगी। अच्छा, आप जो राजनीति में आई हैं तो इसका उद्देश्य केवल यही कि आपको पावरफुल बनना है? जब तक आपके पास शक्ति नहीं होगी तब तक हो सकता आप किसी को भला नहीं कर सकती जी। राजनीति में एक वो मतलब राजनीति एक वो पायदान की चाबी कही जाती है, बाबा साहब ने कहा है राजनीति वो चाबी है जो हर ताले के खुल सकते हैं राजनीति के माध्यम से। तो हम अगर कुछ भी करना चाहें, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें, तो हमें एक ताकत होगी, एक मजबूती होगी, तो हम अपनी बात कह सकेंगे। अभी तो हम कहेंगे हाँ, मान लीजिए कि मैं एक महिला हूँ, नारी शक्ति का उदाहरण हूँ, हमारी बात सुनी जाएगी, मैं शिक्षित हूँ, लेकिन एक पावर के साथ जब सुनी जाएगी, जब मैं राजनीति में किसी ओहदे पर होंगी और मुझे पब्लिक का जनप्रतिनिधित्व मिलेगा और वो मुझे अपना जब प्रतिनिधि बनाएंगे तो मैं उनके लिए लड़ सकूंगी, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ मैं उनकी बात रख सकूंगी हर वहाँ उस जगह जहाँ पर उनकी जरूरतें हैं और वो जरूरतमंद है। सही बात, उनसे कंधे से कंधा मिलाने का काम करोगी तभी कर पाओगी जब आप पावर नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगी। तो आपने जब राजनीति में आई हो, अब प्रश्न उठता है कि आपने बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों चुना? राजनीति में बहुजन समाज पार्टी, एक्चुअली हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हमेशा बहुजन समाज पार्टी के विचारों से प्रेरित रहा है। मेरे पति हों चाहे मेरी और फैमिली हो, वो पूरी फैमिली हमारी बहुजन समाज पार्टी को इसलिए बढ़ता दे दी क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की पार्टी है। इसमें कोई एक विशेष वर्ग या तबके को तवज्जो नहीं दी जाती है। लोग भले ही कहें कि इसमें एक विशेष वर्ग को नहीं, कभी भी बहन जी जब की सरकार होती है तो बैक बर्ड हो, चाहे वो हाई कास्ट हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को एक समान अधिकार समान सम्मान देती हैं। और सब ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात। और मैं तो ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी है इसमें महिलाएं काफी सुरक्षित रहती हैं और जागरूक रहती हैं। मतलब आप कहने का श्रेय है, कहने का मतलब है कि बहन जी ने जो काम किया है, जैसे महिलाओं की शिक्षा के ऊपर काम किया है, न्याय के ऊपर काम किया है, रोजगार के ऊपर काम किया है, तो जो बहन जी ने मुद्दे हकीकत में सही तरीके से संचालन किए उनके माध्यम से बताया, सब लोग हवा हवाई करते हैं टीवी सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में दिखाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये जो बहन जी है वो सुचारू रूप से महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा उन्होंने वास्तविकता में की है। महिलाओं के लिए एक पेंशन योजना, हर चीज वो महिला वर्ग के लिए विशेष रूप से देती हैं। बहन जी ने महिलाओं को बचाने का काम किया है, बेटियों को बचाने का काम किया है जी। तभी शिक्षा दे पाई, जब ही शिक्षा ना जी। भाई बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी, जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? तो बहन जी की जो नीति है बहुत अच्छी है। आपने बहुजन समाज पार्टी को जो चुना है, आपने केवल इसी उद्देश्य को लेकर के चुना है कि मैं यदि इस पार्टी में काम करूंगी तो मैं किसी लड़की का, किसी महिला का, किसी पुरुष का तब अधिकार दिलाने का काम कर पाएंगे। और
बहुजन समाज पार्टी में किसी का अहित नहीं होता है जी, वो एक ऐसी विचारधारा है जो सबको लेकर चलती है और आवश्यकता राजनीति में हो या किसी में भी हो, सबसे शोषित दलित वंचित बहुजन समाज को होती है। और रियल में अगर जरूरतमंद है तो कोई बहुजन समाज पार्टी, बहुजन लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस वर्ग को हमेशा तवज्जो देती है, आगे बढ़ाने का काम करती है, इसके लिए हमेशा सोचती है, इनके ही लिए नियम लागू करती है जिससे कि वो लोग सुरक्षित रहें, शिक्षित हों, उनकी ज़रूरतें पूरी हों, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है बहुजन समाज पार्टी में। अच्छा शीतल जी, एक क्वेश्चन सवाल है हमारा आपसे, ये तो बहन जी की नीति राजनीति रही, और जब आप क्षेत्र में जाएंगी और काम करेंगी तो लोगों को क्या सोचेंगे उनके काम के बारे में, क्या आप जला पाएंगे न्याय के बारे में, शिक्षा के बारे में, उनकी नीतियों पे चलेंगे आप? जो मैंने जो भी नीतियाँ और बहन जी से जो भी प्रेरणा ली है, मैं हमेशा बहन जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ, क्योंकि बहन जी ने अपनी ज़िंदगी में ना ही शादी की है, उन्होंने सिर्फ अपने समाज और ज़रूरतमंद लोगों को, सर्व समाज के ज़रूरतमंद लोगों को तवज्जो दिया है जी। वैसे ही मेरी भी नीति रहेगी, जब मैंने उनसे प्रेरणा ली है और मैं जब गांव-गांव जा रही हूँ तो मैं एक एक व्यक्ति से मिल रही हूँ, उनकी आंखों में मैं वो चमक देखती हूँ कि वो मुझसे एक आशा करते हैं कि शादी मुझे कुछ दे जाए। अब मैं अभी उस लाइक नहीं हूँ कि मैं उन्हें कुछ दे जाऊँ सर, रियलिटी यही है कि जब उनकी आंखों में देखती हूँ कि शायद ही मुझे एक छोटी सी आशा होती है, उस छोटी सी आशा को उम्मीद नहीं करते। हाँ। अभी नहीं करते हैं उम्मीद, जी जी, उम्मीद वो जब करेंगे तो लगा रहे हैं तब आपको सफलता मिल जाएगी। सर वो आज ही उम्मीद लगा रहे हैं कि ये सफल हो जाएंगे तो मुझे शायद कुछ मिल जाएगा, तो मैं उनकी वो चमक को देख के मुझे इतनी ऊर्जा मिलती है और मुझे ये मतलब दिन रात में काम करने के लिए प्रेरित होती हूँ कि इनके लिए शायद मैं बन जाऊंगी तो मैं इनके लिए बहुत कुछ कर जाऊंगी, और मुझे नहीं पता है कितना कुछ करूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी होगा जितना मैं कर सकती हूँ अपना 100% उन्हें दूंगी, बेस्ट दूंगी, और उन लोगों के लिए एक जो मैंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उतना उनके लिए करूंगी। मतलब आपने कहीं ना कहीं लोगों का दर्द समझा है, दर्द है, जाकर के गांव-गांव जाकर के आपने देखा है। जी जी, कई केस आपको ऐसे मिलते होंगे कि बेचारे बहुत परेशान होंगे सर। अभी हम एक घोषणा में गए थे, देशी गुर्जर जी की घोषणा, जी जी, जस्ट सामने एक बुजुर्ग खड़े थे हमारे, इतनी सर्दी, बारिश हो रही, उनके पास एक भी वो स्वेटर नहीं था, मतलब एक ऐसा, ऐसे भी समाज के लोग हैं कि उनके पास स्वेटर नहीं है फिर भी कोई भी उनके लिए हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल उनके लिए मैंने हेल्प भी की है और भविष्य में जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके घर जाऊंगी, अभी तो मैं उतना समय नहीं था और वो कहीं चले गए थे मेरे एक बात के बाद, लेकिन मेरा उनका चेहरा हमेशा उनके सामने रहेगा। वो इतनी सर्दी में कब ऐसे मतलब हाथ पैर उनके कप रहे थे, ये लग रहा था कि बाकी में जरूरत, मतलब सर्दी उन्हें लग रही थी। हाँ। लेकिन दर्द आपको महसूस होता है, मैं सब कुछ भूल के उन्हीं की तरफ देख रही हूं। दर्द होता है जिसके अंदर समाज सेवा का भाव होता है, और जो लोग बिल्कुल निस्वार्थ सेवा में निकलते हैं उनके अंदर दर्द छिपा रहता है कहीं ना कहीं, लोगों के अंदर कह रहा ऐसा मैं कर दूं तो कितना अच्छा रहेगा। और बताइए, और क्या कहें चाहेंगे आप यदि मुझे शिक्षा के बारे में? हाँ, शिक्षा के बारे में ये कहना चाहूंगी कि हमारी जैसे विधानसभा है वहाँ पर जितने भी युवा साथी हैं वो पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी छुट्टियों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षा का कोई साधन ही नहीं है। जैसे उन्हें टेक्निकल कोर्स चाहिए है या फिर उन्हें मेडिकल कोर्स चाहिए है, तो उनको पढ़ने के लिए हमारे विधानसभा में कोई भी एक भी कॉलेज नहीं है, CS का एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसके अलावा नहीं है। तो माधोगढ़ प्रॉपर माधोगढ़, अगर मैं वहाँ से विधायक बनती हूँ तो मैं वहाँ पर शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा उपलब्ध कराने की भरकस कोशिश करूँगी, जितने भी मेरे प्रयास होगा मैं वहाँ पर टेक्निकल कोर्स उनको प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे कि हमारा जो भी युवा है वो अपने गांव से भी जुड़ा रहे और वहाँ पर शिक्षा भी मुहैया हो, क्योंकि वो बाहर जाते हैं उनकी पूरी फैमिली को एक डिस्टर्बेंस होता है और पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं, बाहर जाएंगे व्यक्ति घर से बाहर, खाना पीना रहना आप सर समझ सकते हैं, शिक्षा में बहुत ज्यादा खर्चा होता है भाई, कभी कभी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। जैसे मान लो उन्हें शिक्षा आगे बढ़ाने का काम करना है तो उन्हें उरई आना होगा या कानपुर जाना होगा या लखनऊ जाना होगा, और उस बीच में
हम लोग जो मजबूत हैं वो तो वेद देते हैं, जी, जी, जी। जो हमारे गरीब वंचित लोग हैं वो अपने बच्चों को टेक्निकल कोर्स नहीं दे पाते हैं, जिससे कि वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो हमें शिक्षा पे सबसे ज्यादा कार्य उन्हीं के लिए करना चाहिए जो जरूरतमंद लोग हैं, और उनके ही विधानसभा में यदि हमने शिक्षा मुहैया कराई तो वो लोग वहीं पर रह के अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो उनके जो परिवार वाले हैं उन्हें एक पैसे जोड़ने की या उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गरीब तो सिर्फ समय दो समय होता है, एक तो उसके घर में शादी होती है और एक उसके घर में कोई मर जाता है, क्योंकि उनके पास इतना होता नहीं है कि वो शादी में बहुत अच्छे से खर्च कर सकें, और तब उनके पास उसके लिए नहीं होता तो वो अपने बच्चों को एक हाई प्रोफाइल लाइफ कैसे दे सकते हैं, एक हाई सोसाइटी वाली एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, टेक्निकल कोर्स नहीं दे सकते, मेडिकल कोर्स नहीं दे सकते, और वो शिक्षा से हमेशा वंचित रहते हैं। हमें उस वर्ग के बारे में भी सोचना चाहिए। हम तो कहते हैं हमारा बच्चा इधर कानपुर पढ़ रहा, लखनऊ पढ़ रहा, दिल्ली पढ़ रहा, आपके पास है वो सब चीजें, वो आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके उनके पास एक जैकेट भी नहीं है, जैकेट भी नहीं है उनके पास। भाई लोग बाग समाज सेवा तो करते हैं शीतल जी, लेकिन मैंने देखा है कि यदि उनकी सर्विस लग गई तो वो केवल अपने व्यक्तिगत व्यवहार में ढल जाते हैं, उन्हें समाज से बिल्कुल मतलब नहीं रहता, बिल्कुल मतलब नहीं। कई बार मैंने देखा है। नहीं नहीं, ये हर किसी के साथ है, हर किसी भी वर्ग में हो, आपने एजुकेशन ले ली और आपकी गवर्नमेंट जॉब हो गई, आप फिर अपने से जो नीचे पायदान के लोग हैं, भले ही आपके खास भाई हो, रिश्तेदार हो, आप उसको छोड़ देते हैं। इस चीज का मैंने कई बार एहसास किया, एक भाई महलों में रह रहा और एक भाई झोपड़ी में रह रहा है, तो उस चीज का एक दायरा खत्म करने के लिए मैंने राजनीति को ही चुना है कि मैं एक समाज में एक जागरूकता और उन लोगों की भी मदद करूं, एक जो महल वाले हों, एक झोपड़ी वाले हों, झोपड़ी वालों कम से कम दो कमरे का मकान तो मिल सके, जो हमारी बहनी हमेशा। शीतल जी, जो आपके नाम के पहले जो यूनियन लगा रखा है, तो कई लड़कियां कई लड़के सोचते होंगे कि शीतल जी के जो पहले नाम में इंजीनियर लिखा है तो उनकी भी इच्छा हो रही होगी कि मैं इंजीनियर कर पाऊं ना, कभी कभी लोग बात सोचते हैं तो जी आप बताएं। जब गांव में जाते हैं तो महिला वर्ग से जो लड़कियां जी। लड़कियां निकल के आती है, बोलती दीदी मुझे भी इंजीनियरिंग की डिग्री करनी है, उन्हें बहुत आसान है, यदि आप शिक्षित हैं और आप एंट्रेंस क्वालिफाई करती हैं तो गवर्नमेंट ने इतनी मतलब योजना निकाली है कि आप स्कॉलरशिप पे ही अपनी एजुकेशन ग्रहण कर सकती हैं, बस उसके लिए आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए बोलती है कि हमें सुविधाएं नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं है, तो उन्हें जागरूक करने के लिए कहती है यूट्यूब पे ऐसी कई कोचिंग सेंटर्स की आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप एंट्रेंस नॉर्मल से क्वालिफाई कर लेंगी और अपने ही जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप उसमें अपनी एजुकेशन ग्रहण करें और आप जब एजुकेटेड इंजीनियरिंग लिखने लगेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ, सशक्त हो गई हूँ, मैं कहीं भी जाके अपने जीवन जीवनोपार्जन के लिए पैसे कमा सकती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा लास्ट और है आपके लिए। जी सर, विधानसभा माधोपुर क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, युवा साथी हैं, उनके लिए क्या आप संदेश भेजना चाहेंगे? युवा सॉरी माधोगढ़ विधानसभा से जो भी महिलाएं हैं, मैं उनको ये संदेश भेजना चाहती हूँ कि हम लोग अपने अधिकारों को समझें, और जो मैंने कहा है कि मैं वहाँ पर महिलाओं को स्वरोजगार मुहैया कराऊंगी, जिससे कि हर महिला के जेब में 200 रुपये पर डे अगर मिल रहे हैं तो वो अपना घर, अपनी ज़रूरत की चीज़ें और अपनी जो बेटी है उसे भी मजबूत करें, अपने बच्चों को मजबूत करें, उन्हें शिक्षा दें और शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार में लाएं कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे तो हम इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, और शिक्षा बाकी में वो माध्यम है जिससे दुनिया में आप कहीं भी चले जाएँ। कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने जितना पिया वो उतना दहाड़ा है, इस चीज़ का मैं महसूस कर सकती हूँ कि आज मैं इंजीनियर हूँ, बीएड हूँ और कई मेरे पास डिग्री हैं, एजुकेशन इतनी स्ट्रांग है कि मैं अगर किसी के सामने भी बैठ जाती हूँ, किसी के सामने भी खड़े हो जाती हूँ तो मुझे ये एहसास नहीं होता मैं महिला वर्ग से आती हूँ। अगर महिलाएं भी वही शिक्षा अपने बच्चियों को दें तो वो भी ये एहसास करेंगी। आप तो प्रेरणा स्रोत लीजिए, बहन जी से लीजिएगा, और कई ऐसी महिलाएं हैं जो आज हमारे देश में मजबूती से लोगों के बीच में खड़ी होती है, डटी होती है, जबकि हम अपने विधानसभा में देखते हैं तो वो 2 गज का ऐसा लंबा सा घूंघट डाल देती है, बात भी करने की क्षमता नहीं होती है। यदि उनके अंदर शिक्षा होगी, अपनी बेटी को पढ़ाएंगी तो वो खुद ही नहीं, उनको उनके ससुराल वाले ही नहीं कहेंगे कि 2 गज का घूंघट डालिएगा, तो वो सब शिक्षा ही आपका माध्यम है। आप लोग रोजगार लीजिए, आप अपना काम कीजिएगा, आप कैसे भी करके अपने बच्चों को शिक्षित, पढ़ता प्रथा का जितना भी बढ़ावा मिल रहा है
उनके अंदर शिक्षा का अभाव है, जो शीतल जी इसलिए ये हो रहा है। और जब शिक्षा में आगे निकल जाएगी तो लड़कियाँ हमारी उरई पढ़ेंगी, कानपुर पढ़ेंगी, लखनऊ पढ़ेंगी, झांसी पढ़ेंगी, तो उनके अंदर पर्दा हटती चली जाएगी। क्यों? कि उनके अंदर शिक्षा का विकास हुआ है। शिक्षा का विकास होता है तो फिर हम अपने आप को असहज महसूस नहीं करते किसी के बीच में भी। और जब हम शिक्षित होते हैं तो लोगों को शिक्षित होते हैं तो लोगों से डरते नहीं है, क्योंकि हमें अपने अधिकार मालूम होते हैं। और हम उन अधिकारों को सामने वालों को, जब सामने वाला व्यक्ति हमसे बात करता है 2 मिनट, वो समझ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना मजबूत है, ना ही वो हमारा शोषण कर सकता है, ना ही हमें किसी तरीके से दबा सकता है। इसलिए शिक्षा जब होगी तो हम लोग कामयाब होंगे। पर्दा प्रथा तो दूर की बात, हम लोग अपने अधिकारों को समझेंगे। और जो वाकई में हम लोग अपने जैसे हमारे पति काम करते हैं और सिर्फ 1 जून की रोटी बोलते हैं ना, हमारी चलती है 2 जून की मजबूरी में चलती है। जब एक व्यक्ति काम करता है, जब हम शिक्षित होंगे हम अपने घर को संभालेंगे। और यदि हम जॉब भी करना चाहें तो हम जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास शिक्षा है। शिक्षा नहीं होगी तो हम जॉब नहीं कर पाएंगे, और दिहाड़ी से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए महिला वर्ग से मैं विशेष अनुरोध करना चाहूँगी कि वो लोग शिक्षित हों, अपनी बेटियों को अपने बच्चों को शिक्षित करें और भविष्य को मजबूत करें। एक शहरसारी से ख़त्म करने वाला हूँ मैं जी सर। कहा है किसी ने कि दुनिया में कोई काम कठिन नहीं होता है, लोग यूं ही मंजिल छोड़ देते हैं। हौसला हो कुछ करने का तो रास्ते के पत्थर भी जगह छोड़ देते हैं। तो शीतल जी, लास्ट हमारा क्वेश्चन है आपसे कि जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप पीएसपी की तरफ से? जनता को मैं संदेश देना चाहती हूँ, खास करके अपनी विधानसभा की जनता को, कि 2022 में 20 फरवरी 2022 को मतदान होने जा रहे हैं तीसरे चरण में हमारी विधानसभा में या हमारे जनपद में। तो मैं जनता क्षेत्र की जनता से कहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं बार बार बता चुकी हूं कि जिसमें युवाओं को, महिलाओं को, सभी को सम्मान देने का काम किया गया है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की पार्टी है। तो जब 20 फरवरी को आप अपना मतदान देने जाएं तो हाथी वाले बटन पर ही निशान लगाएं, अपनी थंब हाथी वाले निशान पर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना जनप्रतिनिधि ऐसा चुने जिसे आपको लगे कि ये शिक्षित है, हमारी बात कह सकता है। और पहली बार आप एक महिला प्रत्याशी में घोषित हुई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक महिला को भी अपना सेवा करने का मौका प्रदान करें। मैं अपनी जनता से बस एक बार अपील बार बार करना चाहूंगी कि आप एक महिला प्रत्याशी होने के नाते महिला जनप्रतिनिधि भी चुने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जनता को, हमारे पब्लिक को, और आपको भी सर, जो आपने हमारी बात को हमारी जनता तक पहुंचाने का कार्य किया।